हेलो फ्रेंड, हम आपको बताएंगे जो मोटर का करंट है और करंट जिसको एम्पेयर कहा जाता है उसके कैलकुलेशन के बारे में हम आपको बताएगा। ठीक है, तो पहले करंट को कैलकुलेशन करने के लिए तीन फॉर्मूला है। ठीक है, पहला फॉर्मूला है आई समान वी डिवाइड बाय आर, और दूसरा फॉर्मूला है, देखिए आर समान, थोड़ा जूम कीजिए, आई समान यहाँ पर देखिए, आई समान वाट डिवाइड बाय वोल्टेज। तीसरा फॉर्मूला है आई समान रूट वाट डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो एग्जाम्पल तरफ आपको मैं ये सूत्र यहाँ पे भी दिखा सकते हो। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, करंट कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला है, आप देख लीजिए ध्यान से, ये फार्मूला से हम कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कैलकुलेशन पर जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो मोटर है इसका वोल्टेज है 440 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम्स, और इसका वाटेज है 745 वाट। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला मैंने अप्लाई करता हूँ फर्स्ट। ठीक है, देखिए एक नंबर फॉर्मूला, आई समान होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज मेरा 440 वोल्ट, आर है 100, उसके बाद समान आता है वोल्टेज कितना आएगा, आ रहा है 440, और जो रेजिस्टेंस है 100 ओम्स। तो एम्पियर कितना होगा इस मोटर का एम्पियर होगा करंट 4.4 एम्पियर। ठीक है, इस मोटर का दो नंबर फॉर्मूला जो है, दो नंबर फॉर्मूला, ठीक है, आई समान वाट और वोल्टेज, मोटर के नेम प्लेट में वाट मिल जाएगा आपको, वोल्टेज भी मिल जाएगा। उसका वाट है मान लीजिए 745 डिवाइड बाय 745 इंटू वोल्टेज है 440 वोल्ट, तो इसका करंट आएगा 169 एम्पेयर होगा। ठीक है, और दूसरा तीसरा नंबर जो फॉर्मूला है वो है थोड़ा अलग से, आई समान मिलेगा आपको रूट वाट डिवाइड बाय आर, उस समय जाएगा रूट वाटेज कितना है 745 डिवाइड बाय आर है 100, जो आएगा 272 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर करंट होगा। फ्रंट ए था फॉर्मूला, इससे जरिए आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए नेम प्लेट में हर चीज़ का मान लिखा होगा, वोल्टेज लिखा होगा, रेजिस्टेंस लिखा होगा, और वाटेज भी लिखा होगा, और सारा वाट लिखा होगा। जब मैंने वोल्टेज के कैलकुलेशन के समय देखा था ये भी सेम, ठीक है, तो सेम लिखा रहेगा। फ्रंट ए तो आपको छोटा सा एक वीडियो, इसके बाद बताऊंगा ये जो रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। अब तो वोल्टेज के बारे में पहला वीडियो बताया था, दूसरा वीडियो में आपको करंट के बारे में बताया जो एम्पियर, ठीक है, एम्पियर कहाँ से मिलेगा जो वोल्टेज के दौरान था। ये देखिए वोल्टेज के दौरान जो एम्पियर कहाँ से मिलेगा इस कैलकुलेशन के बारे में, वाट इस कैलकुलेशन के जरिए आपको करंट मिल गया, करंट यहाँ से निकल आएगा, वाट और वोल्टेज के जरिए, करंट और रेजिस्टेंस के जरिए मिल जाएगा आपको करंट कितना है। उसके बारे में रेजिस्टेंस जो आर है इसके बारे में हम बताएगा, उसके बाद वाटेज में बताएगा।
ठीक है, वाटेज कैलकुलेशन के बारे में। फ्रेंड यही था एक छोटा सा वीडियो, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और पास में जो बेल आइकन है ये भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो वीडियो अपलोड देगा इससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा। फ्रेंड थैंक यू। फ्रेंड इस बारे में कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फ्रेंड थैंक यू।